चलिए लिमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अनमोल से, जो कि राजस्थान से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 332 है। तो अनमोल, सबसे पहले 332 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अनमोल, क्योंकि भोपाल क्लासरूम में पढ़े हैं और इनकी लाइफ की जर्नी बड़ी अलग रही है, तो अनमोल आपकी जो सक्सेस मुझे जर्नी है आप कहीं इंटायर, अनाउंस करना कब आपने तो सोचा, फिर बताओ अपने आप को किस ढंग से तैयार किया, मैं चाहूंगा वो आप बताओ। सर। मेरे को 2021 में पता चला था कि निमसेट का कोई एग्जाम वगैरह भी होता है। बीसीए तो मैंने यहाँ लोकल कॉलेज से ही की थी, पर फिर जैसा पता चला कि यहाँ निमसेट का एग्जाम होता है, तो कॉलेज वगैरह में मेरा इतना अच्छा कोई रुझान था नहीं। मैंने सर से भी पूछा था वहाँ पे, तो सर ने भी मेरे को यही कही थी कि यार जैसे तो निमसेट नहीं हो पाएगा, पर वाह फिर धीरे धीरे पता चला कि एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें फिर आपके बारे में मालूम पड़ा, फिर आपको कॉल किया, फिर मैं वहां पे आया, फिर पिछले साल नहीं निकला, फिर आपसे बात करी, आपने बताया कि नहीं यार अपन वापस एक साल ड्रॉप ले सकते हैं, तू कर लेगा, फिर ड्रॉप लिया तो उस साल रैंक आई। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट के लिए कई बार हमें देना पड़ता है। अगर हमारा पास अच्छा नहीं है, हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, पास अच्छा नहीं है मतलब रिलेटेड टू एग्जाम, कि अगर हमारा मैथ्स वीक है या हमने उस ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो कई बार टाइम देना पड़ जाता है। तो तुम्हारे साथ भी यही था कि जब तुम आए थे, जब और आज में तुमने समझ देख रहे होगे कि कितना अलग तरीके का, कितना सारा कुछ गेन किया है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। अच्छा ये बताओ अनमोल, क्योंकि आप भोपाल में रहे हो, तो आपकी भोपाल जर्नी कैसी रही? भोपाल जर्नी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही मेरी, क्योंकि पढ़ाई को अगर एक बार अपन हटा भी ले, जो मैंने पढ़ने का आपसे सीखा वो तो अलग ही, लेकिन उसके अलावा जो मैंने 50 चीज़ें सीखी हैं पढ़ाई से अलग, कि हाँ भैया मेरे को ये भी पता चला, मेरे को नई चीज़ें पता चली, मेरे को चीज़ों को हैंडल करना पता चला, वो ज़्यादा मायने रखता था मेरे लिए। और लास्ट लास्ट तक आते आते मैंने आपको ये बात कही भी थी कि अब रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, अब मैं इतना ज़्यादा हो चुका हूँ कि अब मैं कुछ भी करूँगा तो उसमें अच्छा ही करूँगा, उसके बिल्कुल लिए सही तो बात है आपसे। अनमोल। तो अच्छा अनमोल एक बार बताओ, क्योंकि तुम्हारा ड्रॉप था, तो कहीं, क्योंकि कई बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो बहुत स्ट्रेस या बहुत टेंशन लेते हैं, तो तुम्हारा इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस रहा? इसमें मेरे को ड्रॉप लेना था, मेरा ड्रीम तो था कि मैं एनआईटी या फिर जो भी टॉप कॉलेज हो उसी में जाऊं, लेकिन सर इसके पीछे जो मेरे को घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं यार भाई तू एक बार और ड्रॉप ले ले, हमको तेरे पर भरोसा है, फिर आपने जो मेरे को बताया यार अनमोल तू कर लेगा तेरे से हो जाएगा, तो वो सारी चीजें जब मेरे साथ एक साथ आई, जो बैक एंड पे मेरा सपोर्ट मेरे को मिला, उसकी वजह से मेरा थोड़ा ज्यादा रहा कि नहीं यार मैं ड्रॉप ले लूँ, वरना अगर मेरे को बैक एंड पे भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, आप मेरे को नहीं बता पाते, तो मैं ये ड्रॉप नहीं लेता इस साल, और हो सकता है मैं किसी भी कॉलेज से एमसीए कर रहा होता। तो देखो आज आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसका नतीजा है कि आज आप फाइनली एनआईटी में जा रहे हो। अच्छा अनमोल, आप मुझे बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो ड्रॉप लेने से घबराते हैं, स्पेशली उनको? ड्रॉप तो अगर आप इनफ कैपेबल हो और अगर आपके सारी चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं तो आप ड्रॉप जरूर लो, लेकिन सर दूसरी जो जूनियर्स को मैं बात बताना चाहूंगा वो ये कि भले ही आप दो टॉपिक कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रखा है ना उसको कंप्लीट कर दो, क्योंकि मेरे भी एक दो टॉपिक ऐसे थे जिनसे मेरे को आते नहीं थे, ऐसा नहीं था मेरे को डर लगता था उनके क्वेश्चन देख के, तो वो मेरे से या तो गलत ही होते थे या फिर मैं छोड़ता ही था, लेकिन लास्ट लास्ट में आपने बोला था कि यार जो नहीं आ रहा वो छोड़, तो एक दो टॉपिक ऐसे थे जो मैंने पूरे छोड़ दिए, लेकिन मेरे को जो आते थे वो मैंने बहुत अच्छे से किए, और उसी का ये रिजल्ट निकला कि मेरे गलत बहुत कम हुए, मेरी एक्यूरेसी बहुत सही है, तो भले ही आप कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छा पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा अनमोल, आपके पेरेंट्स में अभी कौन है आपके साथ, मैं चाहूंगा उनको भी, उनसे भी मिलूं। सर मेरे नाना जी है यहीं पे, मैं बात बिल्कुल कराता हूँ, एक मिनट ये लगाओ। जी, नमस्कार। हाँ सर नमस्कार साहब, नमस्कार एक होगा, सबसे पहले तो लगाओ आपको बहुत बहुत बधाई कि अनमोल ने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, उसका संघर्ष काफी था और उसकी लाइफ की इस जर्नी भी काफी अलग रही, पर बोलते अंत भला तो सब भला, तो उसकी इतनी अच्छी रैंक आई, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी साहब बधाई हो, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने खूब मेहनत की बच्चे के साथ। जी, थैंक यू। अभी लाइट जरूर चली गई, पर आप लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से एक बार हुआ तो लूंगा आपके साथ, फिर से एक सेशन लूंगा। तो अब अनमोल इसी तरह आगे भी तरक्की करे और आप लोगों का उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, और आपका भी जी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे जी इसको, क्योंकि जी जी बच्चे हैं ये तो नई नए राह पे चलने वाले हैं, अब बिल्कुल सही बात है। रास्ता बताने जी वाले तो आप ही हैं जी 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 थैंक यू यार, हम तो इतना इस बारे में, इस क्षेत्र में जितनी जानकारी रखते नहीं हैं, जी और आपको तो इस फील्ड की सारी तमाम A to Z जानकारी है, तो जी 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 मार्गदर्शन तो आप ही करेंगे साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे भी करेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद साहब, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।